हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग। हाउ आर यू? आई होप सारे स्टूडेंट्स बहुत ही बढ़िया है और उन्हें सारे चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझ आ रहे हैं। जितना हमने किया है अब तक वो भी अच्छे से समझ आया है, और जो हम करने वाले हैं वो तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे से करेंगे जी। ये स्टूडेंट, तो हमने कल अपने पास एक चैप्टर शुरू किया था जिसका नाम है एडवांस पार्टनरशिप। जैसे सब्जेक्ट के हमारा जो है एडवांस अकाउंट्स है, तो उसके अंदर पार्टनरशिप भी अब क्यों ना एडवांस वाली सीखी जाए। तो जिसके अंदर अभी से स्टार्टेड विद द टॉपिक रिजोल्यूशन ऑफ फर्म आपके पास हम सीख रहे थे, जिसको लेके हमने कल कुछ बेसिक कंसेप्ट की बात करी थी, और साथ में जी हमने सीखा था कल एक क्वेश्चन को, ठीक है ना, वो एक किया था हमने। तो आज हम और क्वेश्चंस को करेंगे अपने पास। तो वेलकम टू क्वेश्चन नंबर टू। तो सारे स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन पे आ जाएंगे अपने पास, क्वेश्चन नंबर टू पे जी। तो लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर टू। पी क्यू एंड आर आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस एस टू 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 वन। बैलेंस शीट दे रहा है जी 31 मार्च 2011 की। लाइबिलिटीज है पार्टनर कैपिटल पी क्यू आर, रिजर्व फंड क्रेडिटर्स। दूसरी तरफ नॉर्मल एक एसेट दिखाई दे रहा है मुझे, एक सिर्फ कैश इन हैंड है 4,000 का, जो कैश अकाउंट में चला जाएगा। उन्होंने सोचा कि चलो फर्म को डिसॉल्व करते हैं, तो उन्होंने कुछ अमाउंट रिलाइज करवाए। कैसे कैसे? मशीनरी क्या है 1,02,000, फिक्सचर क्या 18, स्टॉक के 84,000 और डेटर्स के 44,400। क्रेडिटर्स को जो पे किया तो देवर अलाउड ए डिस्काउंट ऑफ 5%, तो उन्हें 5% कम दिया, और रियलाइजेशन का जो खर्चा हुआ वो हुआ जी 1,500 का। देर वॉज एन अनरिकॉर्डेड एसेट 6,000 का, जो कि क्यों ने लिया 4,800 में। तो हमारे पास तो अनरिकॉर्डेड एसेट भी आ जाएगा जब हम बाय साइड में लिखेंगे, बट क्यों ने लिया है तो बाय बैंक नहीं आएगा, क्यों के अकाउंट में जाएगा 4,800 में। एक कह रहा है 4,200 का ड्यू था सेल टैक्स का बिल, वो रिसीव आया जी सेल टैक्स का, और वो मुझे पे करना पड़ा, दिस वॉज ऑल्सो पेड। तो ये टू बैंक एक तरीके से आ जाएगा। क्या क्या मांग रहा है? रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल, कैश। बहुत ही आसान सा सवाल आपके सामने। तो जी हम लोग इसको करना शुरू करेंगे अपने पास। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन विद यू। तो देखो सबसे पहले क्या बनाना है, रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट किस लिए बनता है? जब फर्म डिसॉल्व होती है एसेट लाइबिलिटीज को रियलाइज करवाया जाता है, इस वजह से। एक एक करके एसेट सारे डालेंगे किस पे? बुक वैल्यू पे। तो टू प्लांट एंड मशीनरी कितना? 1,08,000। टू फिक्स्चर्स 24,000। टू स्टॉक 60,000। टू डेटर्स 48,000। कैश नहीं आएगा, इधर आएगा बाय क्रेडिटर्स 48,000 जी, ठीक है ना। इसके बाद जी आपके पास पेमेंट्स जो आई तो बाय कैश में एंट्री, तो कैश टू रिलेशन ही चलती है, एसेट्स तो क्लोज हो चुके हैं रिलेशन में ट्रांसफर करके। अब तो जो भी आ रहा है कैश में आ रहा है या पार्टनर लेके जा रहा है। इनर कॉलम में सिर्फ अपने इजीनेस के लिए दिखाते हैं, प्लांट एंड मशीनरी का 1,02,000, फिक्सचर का 18,000, स्टॉक का 84,000 और डेटर्स का 44,400। तो टोटल कर लेंगे इसको, डाल देंगे 248,400।
फिर से पेमेंट्स भी है कुछ कुछ, तो टू कैश, क्रेडिटर्स को 5% कम दिया, 5% कम मतलब कितना हुआ, 48,000 का 95% जी, 45,600। फिर जी खर्चा एक्सपेंसेस रियलाइजेशन के कितने, 1,500। अनरिकॉर्डेड एसेट वाले पॉइंट बाद में आते हैं, एक और जो पेमेंट है वो आ जाएगा सेल टैक्स की पेमेंट, कितनी है जी 4,200। तो वो टोटल करके डल जाएगा 51,300, ठीक है ना। फिर उसके बाद भी आपके पास क्या आना है, बाय कौन लेके जा रहा है, क्यू, तो बाय क्यूज कैपिटल अकाउंट जो उसने टेकन ओवर किया, अनरिकॉर्डेड एसेट टेकन ओवर, किस वैल्यू पे टेक ओवर किया जी, 48,800 पे बस जी। इसके साथ ही साथ हुआ आपका ये अकाउंट, तो अपने पास देखेंगे क्या आ रहा है प्रॉफिट की लॉस, देखेंगे कितना है अभी। देखिए प्रॉफिट आया जी कितने का, 9,900 का, 9,900 का प्रॉफिट, जो कि किसमें आ जाना है आपके पास, पार्टनर्स में चले जाना है। कौन कौन है पार्टनर्स यहाँ क्वेश्चन में जी, पी क्यू आर किस रेशो में, 225, तो 3,960, 3,960, 1,980। तो इसके साथ ही समाप्त हुआ आपका रियलाइजेशन अकाउंट जी, ठीक है ना। ये बना जी इतना। इसके बाद हम आगे आते हैं, अपने पास क्या बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो मेरे साथ साथ बनाएंगे, पार्टनर्स कौन कौन है पार्टनर्स, पी क्यू आर, सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना कितना है, 120, 48 एंड 24, फिर बाय रिजर्व फंड, टू टू वन में बांट देंगे जी 60,000 को, 24, 24 एंड 12, फिर रियलाइजेशन की चीजें, बाय रियलाइजेशन प्रॉफिट 3,960, 3,960, 1,980, फिर टू रियलाइजेशन जी, जो एसेट किसने टेक ओवर किया था, क्यू ने टेक ओवर किया था एक एसेट को, कितने में, 4,800 में। बाकी क्या आ जाएगा, टू कैश है बाय कैश, तो टू कैश करके क्लोज हो जानी है किताबें।
7 1 6 0। तो जी देख लेंगे क्या क्या आपके पास बैलेंसेस आते हैं। टू कैश करके क्लोज हो जाना है, जितने भी आपके पास आए हैं। दिस विल बी योर बैलेंसिंग फिगर, कितना हम इनको पे करेंगे और क्लोज हो जाएगा। इसके बाद आपके पास क्या आएगा, कैश अकाउंट बनाना है और वो आपके पास टैली होगा जी, ठीक है ना। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन है 60,000। तो रियलाइजेशन कितना आया था सारे एसेट्स को बेच के, 248,400 जी। फिर बाय रियलाइजेशन जो पेमेंट करी एक्सपेंसेस की 51,300। फिर बाय क्या क्या पार्टनर्स के नाम है, पी क्यू एन आर, तो बाय पीज कैपिटल अकाउंट, बाय क्यूज कैपिटल अकाउंट और बाय आर्स कैपिटल अकाउंट। कितना कितना पे किया जी वो डल जाएगा यहाँ पे, 147,960, 7,1,1,6,0 और 3,7,9,8,0। टोटल कर लेंगे आपके पास कैश अकाउंट शुड चली, इट विल कम आउट टू 3,08,400 on both sides and it will tally and this will complete your question. I hope students समझ आ रहा है आप लोगों को। अब नहीं तो रहा है कारण, what about you? Yes sir, good. दिस विल कंप्लीट योर क्वेश्चन नंबर टू। वेलकम टू क्वेश्चन नंबर थ्री जी, आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर थ्री पे। एक्स वाई एंड जेड आर इन पार्टनरशिप, शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस रेशियो क्या है, 3:1। रिजॉल्व द पार्टनरशिप ऑन 31/13, बैलेंस शीट दे रहा है जी आपको। एसेट्स है सारे नॉर्मल, लाइबिलिटीज है। फॉलोइंग डिटेल्स आर रिलेवेंट फॉर रिजोल्यूशन, जेएलपी सरेंडर रूल 340/750। तो जो जेएलपी एसेट ट्रस्ट वाले में इतना आया, एक्स प्लांटर मशीनरी को टेक ओवर कर गया 13.5 लाख में, एक्स ने बैंक ओडी को भी डिस्चार्ज किया और अपनी वाइफ के लोन को भी, मिसेज एक्स लोन को डिस्चार्ज कर रहा है वो। फर्नीचर और चौक इक्वली एक्स और वाई के बीच में गया कितने में, 540 में, तो यानी कि आधा आधा गया तो कितना हो गया, 270 270। सन्ड्री डेटर्स वर असाइन टू फर्म क्रेडिटर्स विद फुल सेटिस्फेक्शन, आपने डेटर्स को क्रेडिटर्स को दे दिया तो इसकी बाद में कोई एंट्री नहीं आएगी, ट्रांसफर हो जाएंगे बस खत्म। कमीशन रिसीवेबल का पैसा आ गया टाइम से, वो भी एक एसेट है। बिल डिस्काउंटेड सब्सिक्वेंटली डिसऑनर हुआ और वो वैल्यू लेस रहा जी, कुछ है उसके 750 नोटिस लेटर, तो इतना आपको क्या करना पड़ा पे, बिकॉज डिसऑनर हो गया एंड नाउ यू हैव टू पे इंक्लूडिंग द नोटिंग चार्जेस होम। और एक्स ने डिसोल्यूशन का खर्चा पे किया कितने का, 27,000 का, तो एक्स ने पे किया, नो प्रॉब्लम। क्या क्या बनाना है, रियलाइजेशन, पार्टनर कैपिटल और एक कैश अकाउंट जी। तो क्वेश्चन बेहद आसान है, सिर्फ क्वेश्चन के अंदर चीजें क्या है आपके पास,
रादर देन बाहर मार्केट में बिकने के चीजें जो है वो ज्यादातर पार्टनर्स टेक ओवर कर रहे हैं या पार्टनर्स पे ऑफ कर रहे हैं, आपके पास और कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो विल स्टार्ट डू इनकी क्वेश्चन नंबर थ्री। आपके पास सबसे पहला काम क्या ही बनाना है बच्चा लोग, रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट में क्या आएगा सबसे पहले आपके पास, सारे एक एक करके डालेंगे, टू प्लांट एंड मशीनरी, ₹1595,700, टू फर्नीचर 96975, टू स्टॉक बुक वैल्यू ट्रांसफर हो जानी है 355,000,050, टू डेटर्स 8 लाख, ₹1,000, टू जेएलपी 398,250, टू कमीशन रिसीवर 210,825। बिल्कुल क्लोज हो गए सारे लायबिलिटी साइड में बाय क्रेडिटर्स। कितना 850,500, फिर बाय बैंक ओडी ओवरड्राफ्ट जो कह रहे हैं 909,675, बाय जीएलपी रिजर्व। देर आर टू ऑप्शन, इधर ट्रांसफर इट डायरेक्टली टू दी पार्टनर्स कैपिटल और वी विल ट्रांसफर इट हेयर एंड ऑटोमेटिकली उतने से प्रॉफिट बढ़ जाता है या लॉस कम हो जाएगा, तो इट विल हार्डली मेक एनी डिफरेंस आपके पास। प्रेफर इज टू ट्रांसफर इट टू द रियलाइजेशन ओनली। ₹398,250 बाय लोन फ्रॉम एसईजेड, इट्स नॉट पार्टनर लोन, जैसे कल कहा था पार्टनर लोन ट्रांसफर नहीं होता, इट्स एक्सटर्नल लाइबिलिटी ऑल टूगेदर, तो इट विल बी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट ओनली, ठीक है ना। मे बी इट इज पेड आउट, मे बी इट इज टेकन ओवर, दैट इज अ सेपरेट इश्यू, बट इट विल बी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन, ठीक है। देन आपके पास जी अब देखते हैं क्या क्या चीजों के पैसे आ रहे हैं। तो बाय कैश 1.1 में है, जेएलपी का पैसा आया नाम से कितने हैं 348,750। फिर आपके पास जी एक्सेल टुक ओवर के बाद में आ जाएगा, और कौन सी चीज बिकी है 6 में कमीशन रिसीवेबल के पैसे आ गए, कितने की थी 210,825। तो टोटल कितना पैसा आया 559,575। फिर जी पॉइंट नंबर सेकंड में एक्स टू कोवर, अब एक्स चीजें लेके जा रहा है कुछ सॉरी बाय एक्स कैपिटल अकाउंट। एक तो जी प्लांट एंड मशीनरी 13.5 लाख में, एक और चीज थी जी आपके पास फर्नीचर और स्टॉक, तो फर्नीचर एंड स्टॉक इक्वली लेके जा रहे हैं, एक्स और वाई वैल्यू है 540, यानी कि 270 यहाँ जाएगा और बाकी 270 वाइज कैपिटल में आ जाएगा फर्नीचर एंड स्टॉक के नाम का। तो
तो एक्स कैपिटल अकाउंट का क्या बना? कितना है जी एक्स कैपिटल? 16,20,000। तो आपके पास आ गया जो एसेट को बेटा, फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ, सेकंड हो गया, फोर्थ हो गया, फिफ्थ की नो एंट्री, सिक्स्थ हो गया। अब आई पेमेंट्स में, तो सबसे पहले तो जो एक्स लेके जा रहा है, तो टू एक्स कैपिटल जो एक्स ने पे ऑफ करेगी, कौन कौन से? बैंक ओडी, मेहरबान एक्स है हमारे पास यहाँ पे 909, 675, और एक उसने मिसेज एक्स लोन पे किया। कितना है? 2,25,000। तो टोटल देख लेंगे, टोटल वन थ्री फोर 675, ठीक है जी। उसके अलावा क्रेडिटर्स से हो चुके हैं, एक आपने पेमेंट करी थी किसकी? टू कैश, तो बेसिकली आया आपके पास BR डिसऑनर का। कितनी पेमेंट करी आपने? 46,125। ठीक है जी, यही बाहर चला जाएगा हमारे पास। और एक रियलाइजेशन के खर्चे भी किसने पे करे? एक्स ने। ऊपर ही डाल सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इधर डल जाएंगे अलग से। टू एक्स कैपिटल रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितने हैं? 27,000 जी। तो निकालेंगे प्रॉफिट लॉस, हाउ मच इज द प्रॉफिट लॉस आपके पास, कैलकुलेट करना शुरू करेंगे। आई होप सारे स्टूडेंट्स कर रहे हैं कैलकुलेशन। आपके पास प्रॉफिट आएगा जी, इस केस में भी टू प्रॉफिट, बैलेंसिंग फिगर 167,400। कौन कौन पार्टनर है जी? एक्स वाई जेड, ट्रांसफर हो जाएगा। तो विद दिस आपके पास रियलाइजेशन अकाउंट वाला हिस्सा जो है वो कंप्लीट हो जाएगा जी, ठीक है ना? इसके बाद आई होप ये हो गया है। क्या बनाना है?
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बाय बैलेंस ड्रॉट डाउन आएगा। सिक्स लैख 30,000 337,500 1,80,000 बायर रियलाइजेशन प्रॉफिट 83,700 55,800 27,900 ठीक है जी। इसके अलावा जो एक्स ने लाइबिलिटीज को पे किया बाय रियलाइजेशन कितना है जी? दो है, एक है 113,475 और एक है 27,000। तो कितना बन गया टोटल? 116,175 इकट्ठे डाल देंगे, आसानी हो जाएगी। ऊपर भी डाल सकते थे जैसे मैंने पहले भी कहा था। फिर टू रियलाइजेशन एक्स और वाई जितनी इतनी वैल्यू के एसेट लाइबिलिटीज टेक आउट करके 16,20,000 और 270 जी। उसके अलावा क्या आना है? और कोई ऐसी चीज जो आपके पास आनी हो जी? आंसर इज नो। सीधा क्या आ जाएगा? टू कैश है बाई कैश। देख लेंगे जी किसका क्या आता है। टू डबल फाइव थ्री सेवन फाइव वन ट्वेंटी थ्री 300 और 207 900 विद दिस। आपके पास पार्टनर कैपिटल अकाउंट वाला हिस्सा जो है वो क्लोज हो जाएगा जी। चेक कर लेंगे एक बार अपने पास सुने। और अगली चीज हमने क्या बनानी है? कैश अकाउंट। विल स्टार्ट विथ टू बैलेंस ड्रॉट डाउन 73,125 कहीं से पैसा आ रहा है। टू बैलेंस टू रियलाइजेशन है 559,575 पेमेंट कितनी करी है? 46,125 बाय रियलाइजेशन। और फिर बाय पार्टनर्स कैपिटल का आएगा क्या करके बाय एक्स कैपिटल
कविता, कविता, which will tally total is 632,700. ठीक है ना, आपका टोटल 632,700 आ जाएगा जी। इसके साथ ही आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। आई होप सारे स्टूडेंट्स का हो चुका है। अवनीत समझ आ रहा है ना? यस सर, हम तो आपसे पहले करके ही बैठे हैं, आप तो बहुत ही स्लो कराते हैं, हमने तो कर भी लिया था काफी देर पहले। कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, ऐसी ही स्पीड है हमारी तो। अब जी अगला जो हमने टॉपिक सीखने जा रहे हैं, समझेंगे क्या है? हम सीखने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, इनसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर। इनसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर का मतलब है कि एक पर्टिकुलर जो पार्टनर है उसके पास फर्म को पैसे देने के लिए नहीं है हमारे पास। अब वो पैसे लेके नहीं आ सकता। अभी तक हमारे पास क्या हो रहा था, हम टू कैश या बाय कैश करके क्लोज कर देंगे, क्योंकि हम ये मानते हैं कि अगर पैसे लेके आने हैं तो सारे पार्टनर्स जो है वो पैसे लेके आ सकते हैं, बिकॉज दे आर सॉल्वेंट। अब यहाँ पे क्या हो गया, इनसॉल्वेंसी, कोई पार्टनर है वो पैसे नहीं लेके आ सकता, तो क्या करा जाएगा? ऐसा थोड़ी ना लाइबिलिटीज को कंपेयर करेंगे, बाकी पार्टनर्स भी तो है। तो उस केस में जो उसकी डेफिशिएंसी है, डेफिशिएंसी का मतलब जितने पैसे वो नहीं लेके आ पाया अपने टोटल पैसे में से, वो बाकी सॉल्वेंट पार्टनर्स लेके आएंगे किसमें, अपनी लास्ट एग्रीड कैपिटल में। तो आपके पास व्हेनेवर देयर इज इंसॉल्वेंसी, तो जो भी सॉल्वेंट पार्टनर्स है दे विल बियर द डेफिशिएंसी ऑफ इंसॉल्वेंट पार्टनर इन देयर लास्ट एग्रीड कैपिटल रेशियो। व्हाट एग्जैक्टली इज मेंट बाय दिस लास्ट एग्रीड कैपिटल रेशियो? लास्ट एग्रीड कैपिटल रेशियो का जो मतलब है, दो केस में बात होती है इसकी। आपके पास अगर तो फिक्स कैपिटल मेथड है, मतलब जहां पे फिक्स भी और फ्लक्चुएटिंग भी है, मतलब करंट अकाउंट भी है सॉरी, तो उस केस के अंदर हम लेते हैं रेशियो ऑफ फिक्स कैपिटल, और अगर फ्लक्चुएटिंग वाला है, फ्लक्चुएटिंग का मतलब सिर्फ एक कैपिटल अकाउंट ही बन रहे, नो करंट अकाउंट इज देयर, तो उस केस में हम बोलते हैं जो भी कैपिटल एज ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन है, प्लस उसमें हम एडजस्टमेंट ऑफ जो भी रिजर्व या पीएनएल वगैरह जो बैलेंस शीट में दे रखा है वो, तो कैपिटल इन बैलेंस शीट प्लस एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व्स माइनस एडजस्टमेंट ऑफ लॉसेस। मतलब हमारे पास सिंपल सा है, डेट ऑफ डिसोल्यूशन वाले दिन क्या बनता वो वाली ले ली है, ठीक है ना। हमने
अब आपके पास एक इसकी सॉल्वेंट पार्टनर्स की जो है जी, एक इसमें एक्सेप्शन सी वो बियर करेंगे हमने का लास्ट एग्रीड कैपिटल रेशियो में। अब इसमें एक एक्सेप्शन है छोटी सी, व्हाट इज द एक्सेप्शन? ये जी एक्सेप्शन है बेसिकली, अब लास्ट एग्रीड कैपिटल है, पर ऐसा भी हो सकता है किसी पार्टनर की कैपिटल ही नेगेटिव में है बट वो सॉल्वेंट है, तो क्या वो डेफिशिएंसी बियर करेगा? आंसर इज नो। तो वो एक्सेप्शन ही है जिस सॉल्वेंट पार्टनर की सॉल्वेंट पार्टनर हैविंग डेबिट बैलेंस ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन विल नॉट बियर एनी डेफिशिएंसी, वो कोई डेफिशिएंसी को बियर नहीं करेगा, ठीक है ना। एक इसमें नोशनल एंट्री डलती है, सेकंड पॉइंट है, अभी सारा कुछ डिस्कस भी करेंगे जब क्वेश्चन आएगा। एक नोशनल एंट्री डलती है कि सॉल्वेंट पार्टनर्स विल ब्रिंग देयर शेयर ऑफ लॉस ऑन रियलाइजेशन। जी एक ये चीज कही गई है कि सॉल्वेंट पार्टनर्स अपना जो अगर रियलाइजेशन में लॉस आएगा वो कैश में लेके आएंगे, एंड दिस इज ओनली नोशनल एंट्री, बिकॉज जितना वो लेके आएंगे उसके बाद उतना ही हम उन्हें फालतू पे कर देंगे। नोशनल एंट्री का मतलब है किताबों में डालने के लिए है, एक्चुअली में ऐसा नहीं भी होता, ठीक है ना। नोशनल एंट्री डाली जाती है, और ये जो भी सारा मैंने ऊपर सिखाया है इंसॉल्वेंसी का आपको, ये जी एक फेमस जजमेंट थी जिसका नाम था गार्नर वर्सेस मरे, ये कंक्लूजन वहां से आया है। जो ये ट्रीटमेंट का हमारे पास कंक्लूजन है ये कहां से आया? गार्नर वर्सेस मरे, हुर्रे नहीं मरे, गार्नर वर्सेस मरे, ठीक है ना। तो ये उन्होंने बोला है कि जो सॉल्वेंट पार्टनर्स है वो बियर करेंगे डेफिशिएंसी इंसॉल्वेंट पार्टनर की जो भी है, किसमें? लास्ट एग्रीड कैपिटल रेशियो में, जो कि फिक्स कैपिटल के केस में तो फिक्स कैपिटल की रेशियो, करंट को नहीं देखना, और अगर फ्लक्चुएटिंग है तो जो बैलेंस शीट वाली डेट की कैपिटल है, एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व्स और लॉसेस की, लॉसेस मतलब अपियरिंग इन बैलेंस शीट जो है, ठीक है ना। एक एक्सेप्शन है जिस पार्टनर का डेबिट बैलेंस है वो बियर नहीं करेगा कोई भी डेफिशिएंसी। और फिर हमने कहा सॉल्वेंट पार्टनर्स अपना रियलाइजेशन का जो लॉस का शेयर है वो अपना अपना बाय कैश में लिखेंगे, इंक्लूडिंग दैट पार्टनर, यहां एक्सेप्शन नहीं डाली, इंक्लूडिंग दैट पार्टनर जिसका डेबिट बैलेंस था, क्योंकि वो तो पैसे ला सकता है जी, उसको कोई दिक्कत नहीं है, वो डेफिशिएंसी बियर नहीं करेगा, ठीक है ना। तो ये आपके पास है। अब इसको सीखने के लिए हम अपने पास ये क्वेश्चन करने जा रहे हैं, बड़ा ही आसान सर। तो जी आएंगे और क्वेश्चन करते हैं हम लोग इसको, क्वेश्चन नंबर 4 पे आएंगे। ए बी सी डी कैपिटल्स है, 4-3-2-1 की रेशियो है, शेयरिंग प्रॉफिट, पार्टनरशिप डिसॉल्व हो रही है, बैलेंस शीट है, 2 की ट्रेड बैलेंस है, 2 का डेबिट बैलेंस है जी, कोई दिक्कत नहीं। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड इज ऑलवेज अ लायबिलिटी। फॉरिंग इंफॉर्मेशन, वन ऑफ द क्रेडिटर टुक सम ऑफ द पेटेंट्स, इसकी बुक वैल्यू है 5000, इतनी वैल्यू में जी 3200 में, बाकी जो क्रेडिटर्स हैं उन्हें डिस्काउंट में पे ऑफ किया 400 के, तो अच्छा पॉइंट है सीखने को मिलेगा। कह रहे जीएलपी 20000 के जो बैलेंस शीट में नहीं है पर पैसा कितना है? 45, तो मेरे लिए तो पैसा मैटर करता है, 4500 आया जी। रिमेनिंग एसेट्स को बेचा, क्रेडिटर्स को 10800, चौक को 15600, प्लांट मशीन जी 12, पेटेंट 60% ऑफ देयर बुक वैल्यू, खर्चा आया 1500। अब मेन चीज जिसके बेस पे आ रहा है, डी इंस्टॉलमेंट हो गया, डिविडेंड ऑफ 25 पैसे इन रुपी वर्ड रिसीव, यानी कि अगर मुझे उससे 1 रुपया लेना था तो बेचारा 25 पैसे लेके आया, मतलब ही इज एबल टू ओनली ब्रिंग 25% ऑफ हिज ड्यूज, 75% विल बी डेफिशिएंसी व्हिच विल बी बोर्न बाय द सॉल्वेंट पार्टनर्स इन द फैक्ट, प्रिपेयर द नेसेसरी लेजर अकाउंट। नेसेसरी का मतलब क्या? जी पार्टनर कैपिटल, रियलाइजेशन और कैश एंड बैंक, ठीक है ना। तो
वही अकाउंट्स हमने बनाने हैं। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। सबसे पहले क्या बनाना है? रियलाइजेशन अकाउंट। तो सारे ऐसे बुक वैल्यू पे ट्रांसफर हो जाएंगे टू डेटर्स 1,850, टू स्टॉक 25,200, टू प्रीपेड एक्सपेंसेस 800, टू प्लांट एंड मशीनरी 20,000, टू पेटेंट्स 8,000, फाइव क्रेडिटर्स कितना? पंद्रह 700 बाय एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड। अब आपके पास सबसे पहले जो रिलाइज चीजें हैं उनको देखते हैं। बाय बैंक में क्या क्या आ रहा है। सेकंड पॉइंट में जेएलपी के नाम का आया जी सरेंडर होके कितना 4,500। डेटर्स का 10,800, स्टॉक का 15,600, प्लांट एंड मशीनरी का 12,000 और पेटेंट्स का भी है कुछ 60% ऑफ बुक वैल्यू। तो क्या 8,000 का 60% कर दूं? नारे नारे ना जी। क्वेश्चन में पहले पॉइंट में कुछ कहा था तो इसलिए वो भी साथ साथ क्लोज करेंगे हम लोग। टू बैंक में जो पेमेंट कर रहे हो एक तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के है 1,500, एक एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड कुछ नहीं का तो पूरा पे होगा। लाइबिलिटी में ऑलवेज एसेट में डिपेंडिंग अपॉन दी एसेट। यहाँ सारे बिक्रे प्रीपेड एक्सपेंसेस छोड़ के वो ऑब्वियसली नॉट रियलाइजेबल आइटम। अगर कोई एसेट होता और वैल्यू सब्सटेंशियल होती तो हम बुक वैल्यू फिर भी मान सकते हैं। लाइबिलिटीज ऑलवेज टू बी पेड अगर कुछ नहीं का। एसेट में डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ एसेट एंड द वैल्यू ऑफ एसेट इट इज ऑलवेज कंसीडर्ड, ठीक है ना, बाय गिविंग द नोट। अब जी बात आई क्रेडिटर्स को भी पे करना है। अब जी ये बड़ा अच्छा पॉइंट है आपके पास। ये देखते हैं हमारे पास जो पेटेंट्स है और जो क्रेडिटर्स है। पेटेंट्स टोटल से कितने के हमारे पास 8,000 के और मैंने इनको पे करना था क्रेडिटर्स को 1,500। मैंने इसमें से कितने के पेटेंट दे दिए जिनकी बुक वैल्यू 5,000 है वो कम हो गए पर क्रेडिटर्स ने उनकी कितनी वैल्यू लगाई 3,200 सिर्फ, तो 3,200 से कम हो गए जिसकी कोई एंट्री नहीं। बाकियों को 400 के डिस्काउंट पे पे कर दिया। तो कितना पे किया देख लेंगे। बारह 100 ये तो क्रेडिटर्स को पे किया अभी। और पेटेंट कितने के बचे 3,000 जिन्हें कल को बेचा तो कितने परसेंट बेचा 60% पे और बुक वैल्यू तो 1,800 पे। हमने तो ये देखना है कितने में बिके कितने में पेमेंट करें।
44,700 19,900 ये इनको पेमेंट हो गए टोटल में मिला के सारा कुछ, ठीक है ना। इसका रिलेशन प्रॉफिट लॉस निकालेंगे जी अपने पास। लॉस आएगा कितने का? 23,050। चेक कर लेंगे अपने पास, यही आ रहा है। हाँ जी स्टूडेंट्स, जस्ट चेक इट वंस अगेन। उसके बाद क्या करना है, किस रेशियो में जाना है, ए बी सी डी। फोर थ्री टू वन की रेशियो में तो 9,220, 6,915, 4,610 और 2,305, यहां तक कंप्लीट कर लेंगे। अपने पास रियलाइजेशन लॉस बैलेंसिंग फिगर आएगा 23,050। इसके बाद हम अपना मेन मुद्दे पे आएंगे, पार्टनर्स कैपिटल में, और कुछ नई चीज सीखेंगे, ठीक है ना। ठीक है स्टूडेंट्स, आते हैं किसके, पार्टनर कैपिटल अकाउंट पे क्या है। ए बी सी डी और डी, फाइनल बैलेंस ब्रॉट डाउन है ए और बी का कितना जी, 40 और 20। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन आएगा जी सी और डी का, कितना कितना है, 3,200 और 8,415। अब क्या डालना है, टू रियलाइजेशन का लॉस है, टू कितना कितना था, 9,220, सिक्स 9,15, 4,610 और 2,305। सिंस दिस इज केस ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर डी, ये इंसॉल्वेंट है जी, ये डी शख्स जो है हमारे पास, तो जो बाकी सॉल्वेंट पार्टनर्स है मतलब ए बी और सी, वो अपने रियलाइजेशन लॉस को किस में लेके आएंगे, कैश में। तो बाय कैश ऑब्लिक बैंक आपके पास, तो 9,220, 6,915, 4,610। अब आपके पास जी बात आ गई कि डी की इंसॉल्वेंसी है, कोई एंट्री ऐसा तो और नहीं डलनी, कोई क्रेडिटर डेटर वगैरह टेक ओवर रिलेशन में कोई नहीं था ऐसा। अब डी की टोटल डेफिशिएंसी है कितनी, टोटल उससे हमें लेना कितना है ड्यू। कई बार कुछ क्रेडिट में भी होता है तो सारा एडजस्ट करके देखना पड़ता है। टोटल लेना है उससे 10,720, उसका पेमेंट कितना कर सकता है वो, 25%। जो 25% ही विल पे टू अस, दैट इज 2,680। तो बाय बैंक में आ जाएगा 2,680।
तो डेफिशिएंसी आ गई उसकी निकल के कितना अनपेड रहा, एट जीरो फोर जीरो, जो कि कौन बियर करेगा आपके पास। अभी मैं बता के रहता हूं, गार्नर वर्सेस मरे अप्लाई होगा यहाँ पे, जो कि क्या बोलता था, एक तो वो रियलाइजेशन लॉस को कैश में लेके आएंगे, वो कर दिया नोशनल एंट्री, और ये बियर कौन कौन करेंगे, सॉल्वेंट पार्टनर्स। अब सॉल्वेंट तो एबीसी है, इनकी ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन कितनी कैपिटल है, इसकी 40, इसकी 20, इसकी 3200 नेगेटिव डेबिट है, तो क्या ये बियर करेगा? नो। तो ओनली ए एंड बी इस रेशो में लास्ट एग्रीड कैपिटल, तो लास्ट एग्रीड कैपिटल इज योर एग्जिस्टिंग कैपिटल विच इज 40 एंड 20। तो रेशियो विल कम आउट टू 2:1। तो कितना कितना बॉन्ड किया जी दोनों ने, तो उसको बांट देंगे, तो ये बियर करेगा 5360 और ये बियर करेगा 2680। तो अकाउंटिंग एंट्री क्या बनी, इफेक्टिवली ए बी को डेबिट करा जाना है, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल अकाउंट 5360 2680 8040। मतलब डी को क्रेडिट करना है ना, पर वो किससे हम निकाल रहे हैं पैसे, उतने कम किसको देंगे, ए और डी को, 5360 2680। ठीक है, तो बाय एज कैपिटल बाय बीज कैपिटल, इससे क्या होगा, आपका डी का अकाउंट क्लोज हो जाएगा ना, और यहां पे आया टू डीज कैपिटल। और लास्ट में टू बैंक या बाय बैंक, जिसका आएगा बाय बैंक उसका आने भी सॉल्वेंट वाले का, जिसका डेबिट बैलेंस है जो लेके आ सकता है पैसे और वो लेके आएगा। वो कितना लेके आएगा अपने को कवर करने के लिए, 3200, बाकी हम देख लेंगे कितना कितना होगा। इसको पे होगा 17320, इसको होगा 3460। दिस विल बी योर बैलेंसिंग फिगर। वेरी बेसिक बेसिक क्वेश्चन, द पॉइंट हियर वाज कि वन पार्टनर इंसॉल्वेंट, द अदर सॉल्वेंट पार्टनर्स विच आर हैविंग क्रेडिट बैलेंस, दे विल बियर हिज डेफिशिएंसी इन देयर लास्ट एग्रीड कैपिटल रेशियो एज पर गार्नर वर्सेस मरे, एंड सॉल्वेंट पार्टनर्स इज ऑल्सो बिलिंग देयर शेयर ऑफ लॉस ऑन रियलाइजेशन। ठीक है ना, लास्ट अकाउंट बना बैंक अकाउंट, इट शुड टैली। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है, 535 टू रियलाइजेशन और बाय रियलाइजेशन, जितना जितना आपके पास जी आया पैसा और गया, 44700 और 19900, फिर वो सारे अपना रिलेशन लॉस लेके आए थे टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल टू सी इज कैपिटल, कितना कितना था जी, 9220
6915 4610। फिर पे किया था किस किस को, बाय एज कैपिटल और बाय डेज कैपिटल। एक पैसा लेके आया डी अपना कुछ हिस्सा, और लास्ट में सी फिर से अपना बैलेंस लेके आया। सर क्या बार बार दिखाना पड़ेगा? यस बेटा बार बार दिखाना पड़ेगा, क्योंकि अलग अलग चीजें हैं। तो डी कितना लेके आया था? 2680 और वो 3200। और पे कितना कितना किया आपने? 3460। और 17320। देख लेंगे, इट विल टेल यू। आंसर विल कम आउट टू टोटल ऑफ दिस विल बी 7186 जी। ठीक है स्टूडेंट्स, कंप्लीट कर लेंगे जी अपने पास सारे बच्चा लोग। और आज कुछ क्वेश्चंस मैं होमवर्क में भी देने लगा हूँ, वो भी करके आने हैं आप लोगों को, ठीक है ना? वन टू एंड थ्री क्वेश्चन कर लेंगे अपने पास जी प्रैक्टिस क्वेश्चन के। ठीक सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन ऑल स्टूडेंट्स विल कंप्लीट। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, फिर हम आज लोग यहीं तक रखते हैं, ठीक है? टेक केयर स्टूडेंट्स, बाय। थैंक यू स्टूडेंट्स।